वेलकम डिफेंस एस्पिरंट टू माई चैनल द मिलिट्री माइक गजाज की वीडियो हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की इसमें मॉक टेस्ट पेपर समझ लो आप इंग्लिश सेक्शन का इसमें सेवेंटीन क्वेश्चन रखे गए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा स्पॉटिंग एरर्स का इसमें आंसर्स भी साथ में ही हैं सो चलिए स्पॉटिंग एरर्स पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साक्षी वॉज एग्जोविटेंटली पेड फॉर हाउस किल फुर वेलकम द विजिटर्स नो एरर आपने बताने है कि ए बी सी डी में से किस में एरर है अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी होगा जो कि है नो एरर सो so फर्स्ट का राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर हाउ स्किलफुल शी यहाँ पे एरर में जो करेक्शन है वो ये है कि यहाँ पे स्किलफुल की जगह होगा स्किलफुली बिकॉज स्किलफुल एक एडजेक्टिव है इसलिए स्किलफुली यूज होगा तो सेंटेंस बनेगा साक्षी वॉज एक्सोविटेंटली पेड हाउ फॉर हाउ स्किलफुली शी वेलकम द विजिटर्स सेकेंड है द स्टूडेंट रिक्वेस्टिड द प्रिंसिपल टू वी एनफ काइंडेज लीव सो गाइज यहाँ पे जो एर है वो ऑप्शन नंबर बी में द प्रिंसिपल टू वी एनफ काइंड इसमें होगा द प्रिंसिपल टू वी काइंड इनफ यहाँ पे काइंड पहले आएगा और इनफ जो है वो बाद में लिखा जाएगा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू वी काइंड इनफ टू ग्रांड हिम सेवन डेज लीव नेक्स्ट है अभी हमारे पास क्लोज टेस्ट जिसमें आपके पास है नेशंस विच हैव डैश ये सारा आपके पास दिया है मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको आंसर कैसे पुट होगा इसमें थर्ड ऑप्शन थर्ड आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं माफ कीजिएगा यहाँ जो ऊपर वन लिखा है यहाँ पे थ्री लिखा जाएगा और जो आगे चेंज कर सकते हैं आप ओके okay? मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ थर्ड का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी एम ये बन जाएगा नेशंस विल हैव एम प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओफन रन इन टू अन्यपेक्टेड वेरियस विच थ्रेटन एंड ओफन कट फोर्थ का डी है कट कट एंड द नेक्स्ट है नेक्स्ट है फिफ्थ का डी डिस ठीक है यहां पे इसे फिल कर सकते हैं मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दें थर्ड का है ऑप्शन डी फोर्थ का डी फिफ्थ का डी सिक्स का ए फैल्टर्स सेवेंथ का है हमारे पास ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेटेड यहां से आप आंसर देख भी सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फ्रेज ए बी सी डी गिवन बिलो रिप्लेस द फ्रेज दैट आर बोल्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट देखिए क्वेश्चन नंबर एट्थ और नाइन्थ में बोल्ड लेटर्स में लिखा गया इसको जो है रिप्लेस करना है ए बी सी डी जो ऑप्शन दी गई इनमें से क्योंकि यहां पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं फर्स्ट है एट्थ क्वेश्चन है द क्रॉप्स आर डाइंग इट मस्ट नॉट हैड रेंड ऑप्शन है मस्ट हैड नॉट मस्ट नॉट बी मस्ट नॉट हैव मस्ट नॉट हैव बीन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मस्ट नॉट है द क्रॉप्स आर डाइंग मस्ट नॉट हैव नेक्स्ट है नाइन्थ है ही इज टू इम्पेश फॉर टोलरेटिंग एनी डीले ही इज टू इमेश फॉर टोलरेटिंग एनी डिले टू टोलरेट टू टोलरेटिंग एट टॉलरेटिंग विदाउट टॉलरेटिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टू टॉलरेट ही इज टू इम्पेशनी डिले नेक्स्ट हमारे पास एंटोनिम्स हैं फर्स्ट हमारे पास टेंथ क्वेश्चन जो है कॉन्साइज एंटोनिम जैसे आपको पता है एंटोनिम का मतलब था ऑपोजिट कॉन्साइज इसका मतलब होता है संक्षिप्त ऑप्शन है रोंग स्मूथ प्रिसाइज वर्डी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वर्ड ई इलेवेंथ है एक्विट एक्विट होता है बरी करना जिसे मतलब सजा ना मिली उसे बरी किया डिस्क्लोज कन्विक्ट एडज सेंटेंस तो एक्विट होता है बरी करना तो कन्विक्ट होता है गिल्टी जिसे कहते हैं तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट है सिनोनिम्स है हमारे पास लॉन्च रिव्यू विगिन प्रोपल पुश ट्वेल्थ का राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी है बिगिन थर्टींथ है ऑप्टेंड ऑप्शन है कंबाइंड प्रोक्योर्ड एक्वायर्ड अटेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अटेंड नेक्स्ट है हमारे पास ईडी एंड फ्रेजिज फोर्टींथ है सिटिंग ऑन द फेंस। अनबैलेंस्ड अनकर्टेबल कावर्ड बिटवीन टू ओपिनियंस इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिटवीन टू ओपिनियंस फिफ्टींथ हिज विट्स एंड ऑप्शंस आपके पास फिनिश्ड कंफ्यूज्ड कॉमेडी वेरी इंटेलिजेंट ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूज्ड इज द राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास वन वर्ड सब्सिट्यूशन एन ऑफिस विद नो वर्क वट हाई पे सिक्स क्वेश्चन है एन ऑफिस विद नो वर्क वट पे एक्स ऑफिशियो रेटिसेंट ऑप्शन नंबर बी सिनेक्योर इज द राइट आंसर सेवनटीन है वन हु डेजर्ट इज रिलीजन डेजर्टर एपोस्टेट ऑपरचुनिस्ट टर्न कोर्ट ये बार बार पूछे जाते हैं जो ये दोनों हैं ना एनऑफिस विथ नो वक् सिक्सटी दो सेवनटी बार बार रिपीट होते रहते हैं सेवनटीन का राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एपोस्टेट सो so ये थे आज के इंग्लिश सेक्शन के मॉक टेस्ट पेपर एक तरह का अपना स्कोर कितना रहा है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें टिल दैट फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न वी इंडियन आर्म फोर्सिस डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक